हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे पॉलन ग्रेन्स के बारे में। तो इस वीडियो में जानेंगे कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो एक्चुअली में उनका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, एंड उनके अंदर आपने पढ़ा कि वहाँ पे हमारी दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तो उन दो लेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन से ऐसी कौन कौन सी एलर्जीज हैं जो होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो के अंदर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि पॉलन ग्रेन एक्चुअली में होते क्या हैं। ओके, एंड यस, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो पॉलन ग्रेन आपको इतने डिज़ाइंस के मिले, सो उसका रीज़न क्या होता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले जब हम पॉलन ग्रेन्स की बात करते हैं, सो पॉलन ग्रेन्स हमें पता है पॉलन ग्रेन्स आर एक्चुअली द मेल गैमेटोफाइट्स। पॉलन ग्रेन्स हमारे मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे अल्टीमेटली मेल गैमेट्स को फॉर्म करते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने सारा एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट लिया है, बिकॉज ये पूरा जो लेक्चर रहने वाला है सारा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। इसमें हम सारी एनसीईआरटी की लाइंस एंड सारे डायग्राम स्क्वायर को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ से रीड कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ये उसका साइज होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इट हैज़ प्रोमिनेंट, अब यहाँ पे दो लेयर्स होती हैं, टू लेयर्स होती हैं, दो वॉल्स होती हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स की। एक होती है हमारी एग्जाइन और एक होती है हमारी इंटाइन। इन दो के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाइन इज़ दी आउटर वॉल, दी हार्ड आउटर वॉल लेयर इज कॉल्ड एग्जाइन, विच इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल नोन। जो मेरा एग्जाइन होता है ये मेरा पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन के जो आउटर मोस्ट वॉल, यहाँ पे जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं एग्जाइन। एंड ये जो एग्जाइन होता है ये हमारा बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का, राइट। एंड अब स्पोरोपोलिनिन जो होता है, इट इज़ द ओनली सब्सटेंस जिसको डिग्रेड करने के लिए अभी तक कोई एंजाइम आया नहीं है ऐसा, राइट। स्पोरोपोलिनिन की प्रॉपर्टीज और क्या क्या होती हैं? इट कैन विदस्टैंड विद हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नोन। आया समझ? यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन के लिए अभी तक कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जिसको डिग्रेड कर सके। दूसरी चीज़, स्पोरोपोलिनिन की वजह से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हमारे हाई टेम्परेचर और हाई जितने मेरे एसिडिक और जो मेरा बेसिक मीडियम होता है वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखो, पॉलन ग्रेन्स एग्जाइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। अब आप लोगों ने सुना होगा कि जो मेरा पॉलन ग्रेन होता है वहाँ से हमारा ट्यूब से निकलती है ना। इस ट्यूब के अंदर हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अब ये जो ट्यूब होती है ये एक्चुअली में हमारी पॉलन ग्रेन को कैरी करके ले जाती है यहाँ से। सॉरी, ये जो ट्यूब होती है हमारी एक्चुअली में क्या करती है? मेल गैमेट्स यहाँ पे कैरी करके ले जाती है, और जहाँ से ये ट्यूब निकलती है उस प्लेस को कहते हैं जर्म पोर, राइट। और जर्म पोर हमारा वहाँ पर होगा जहाँ पर मेरा स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा। सो पॉलन ग्रेन के अंदर सिर्फ वो प्लेस जहाँ से मेरा जर्म पोर निकलता है वही वाली प्लेस हमारी स्पोरोपोलिनिन में, स्पोरोपोलिनिन रिच नहीं होती, वहाँ पे वो एब्सेंट होता है। ओके, यहाँ पे देखो आगे, पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। पॉलन ग्रेन को हम लोग काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं एज अ फॉसिल। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलिनिन एक मेरा डिग्रेडेबल सब्सटेंस नहीं है। अब देखते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट डिफरेंट एरे में देखने को मिलते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ एग्जाइन। एग्जाइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइंस। ओके, तो ये थी सारी एग्जाइन की बात, उससे रिलेटेड जो स्पोरोपोलिनिन थे उससे रिलेटेड सारी बातें थी। अब हम चलते हैं इनर वॉल पे। इनर वॉल का नाम था हमारा इंटाइन। इट इज़ थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्म मेम्ब्रेन। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स। अब देखो, हमने बात की जो पॉलन ग्रेन होता है उसकी जो आउटर वॉल होती है उसको कहते हैं एग्जाइन, और जो अंदर होता है उसको कहते हैं इंटाइन। इंटाइन जो लेयर होती है मेरी वो थिन होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, और किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से एंड पैक्टिन से। अब हम बात करते हैं, इसकी हमने वॉल की बात कर ली, अब हम पॉलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव, एक होता है जनरेटिव सेल्स, राइट। जो मेरा वेजिटेटिव सेल होता है, देखो जनरेटिव सेल क्या होता है? जनरेटिव नाम से हमें पता चलता है कुछ उसको बनाना है, कुछ जनरेट करना है। सो ये जनरेटिव सेल ही सेल होता है जो मेरे दो
मेल गैमेट्स को फॉर्म करता है, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होगा, वेजिटेटिव का। जनरेटिव जनरेट करेगा दो मेल गैमेट्स, वेजिटेटिव क्या करेगा, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा दोनों को। ओके, ये याद करने का तरीका है। जनरेटिव मतलब दो मेल गैमेट जनरेट करेगा, एंड वेजिटेटिव मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब देखो, क्योंकि वेजिटेटिव को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, इसलिए उसके जो सेल्स होते हैं वो बिग होते हैं, ठीक है। उसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, और उसके पास न्यूक्लियस भी लार्ज शेप का होता है, क्योंकि इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। और दूसरी तरफ जो जनरेटिव सेल होता है वो मेरा स्मॉल होता है, वो फ्लोट करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो स्पिंडल शेप का होता है, एंड देन साइटोप्लाज्म इसके पास होता है, और न्यूक्लियस एक ही होता है, ठीक है। ये दो चीज़ आपको समझ आई अबाउट वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। अब हम आगे चलते हैं, आगे इसने क्या लिख रखा है। अब यहाँ पे दो शेडिंग के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है थोड़ा सा, कि जो मेरी शेडिंग होती है, शेडिंग वो दो टाइप की होती है। एक होती है मेरी टू सेल स्टेज पे, और एक होती है मेरी थ्री सेल स्टेज पे। अब टू सेल स्टेज कौन सी होती है, थ्री सेल स्टेज का मतलब क्या है, देखो। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट टू सेल स्टेज। इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली डेट गिव राइज टू टू मेल गैमेट्स बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड। सो देखो, जब हमारा 60% में क्या होता है, टू सेल स्टेज पे ही पॉलन ग्रेन शेड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि पॉलन ग्रेन्स के पास टू सेल स्टेज का मतलब है उसके पास जनरेटिव सेल है, उसके पास हमारा वेजिटेटिव सेल है, और इस टू सेल स्टेज के अंदर अभी तक जो मेरा जनरेटिव सेल है उसने मेल गैमेट्स को फॉर्म नहीं करा है, ठीक है। तो ये जो टू सेल स्टेज होती है इस पे शेडिंग होती है पॉलन ग्रेन्स की इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, और 30% जो हमारा है वहाँ पे थ्री सेल स्टेज पे होती है। कहने का मतलब है पॉलन ग्रेन्स की शेडिंग तब होगी जब जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट को बना चुका है, और साइड में हमारा वेजिटेटिव सेल जो है पड़ा है। तो यहाँ पे तीन सेल है इसलिए मेरी थ्री सेल स्टेज है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में थ्री सेल स्टेज पे पॉलन ग्रेन शेड नहीं होता, टू सेल पे होता है। टू सेल स्टेज का मतलब क्या है कि जनरेटिव सेल ने दो मेल गैमेट्स नहीं बनाए, वो एज इट इज़ प्रेजेंट है, साथ में वेजिटेटिव भी प्रेजेंट है उसके, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी थ्री सेल स्टेज एंड टू सेल स्टेज, आपको समझ आया। अब हम चलते हैं इसकी एलर्जीज पे। सो देखो, पॉलन ग्रेन्स को हमारे बहुत सारे जो हमारे स्पोर्ट्स वगैरह स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, हॉर्स राइडिंग वगैरह वहाँ पे भी इसको यूज़ करा जाता है, राइट। तो अभी हम इसके आगे यूसेस देखेंगे, इससे पहले इसके एलर्जीज देख लेते हैं। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सीवर एलर्जीज एंड ब्रोंकल एफ्लिक्शंस इन सम पीपल, ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एस्थमा ब्रोंकाइटिस एसेट्रा। इट मे बी मैंशन दैट पार्थीनियम और कैरेट ग्रास दैट केम इन टू इंडिया एज अ कंटेमिनेट विद इम्पोर्टेड वीट has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy. अब देखो, pollen grains बहुत सारी ऐसी species हैं जिसकी जो pollen grains होते हैं वो allergy cause करते हैं, वो asthma cause करते हैं, और हमारा bronchitis वगैरह cause करते हैं। bronchitis का मतलब क्या है, inflammation in bronchi, right? तो ये चीज़ें cause करते हैं। अब आपको सबसे most common example आपने सुना होगा पार्थीनियम का। पार्थीनियम को हम कहते हैं कैरेट ग्रास। इट इज़ ये इंडिया में आया था एज एन कंटेमिनेट इन इम्पोर्टेड वीट के अंदर, ठीक है। सो ये भी हमारा पॉलन एलर्जी कॉज करता है। तो ये कुछ ऊपर रीजंस थे कि क्या क्या कॉज करता है, एस्थमा कॉज करता है, ब्रोंकाइटिस कॉज करता है। इसके अलावा आपको पार्थीनियम का याद रखना है कि वो क्या कैसे आया था, वो एक्चुअली में क्या कॉज करता है। अब हम चलते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स पे। सो पॉलन ग्रेन्स को बहुत जगह एज अ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं एज अ इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, सिरप, एंड पॉलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। ओके, इसको हम फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, एज अ फूड सप्लीमेंट, टैबलेट्स में, सिरप्स के फॉर्म में। ओके, अब यहाँ पर आती है दो चीज़ें, यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में।
क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि पॉलिंग ग्रेन है कोई भी स्पीशीज़ का, तो हम उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको अभी यूज़ ना करके फ्यूचर में यूज़ करने के लिए हम उसको प्रिजर्व करते हैं। इस टाइप के प्रिजर्व को प्रिजर्वेशन कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। सो यहाँ से देखो, अब पॉलिंग ग्रेन जो होता है, यहाँ पर हम बात करेंगे वायबिलिटी के बारे में। एक बार जब पॉलिंग ग्रेन किसी प्लांट से रिलीज हो गया, उसके बाद कितने टाइम तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है। तो वही है यहाँ पे। अब ये वैरी करता है प्लांट टू प्लांट। लाइक अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट राइस या वीट, तो उन सब के जो पॉलिनेशन होते हैं वो वाइबल होते हैं फॉर 30 मिनट्स ओनली, ठीक है। सिर्फ 30 मिनट्स तक वाइबल होंगे, उसके बाद उसका कोई रोल नहीं होगा। अगर हम दूसरी तरफ अगर बात करें, ड्रोसेसी और लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, इन तीन फैमिली में जितने भी मेरे प्लांट्स आते हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ, सो इनके जो पॉलिनेशन होते हैं वो मेरे वायबल होते हैं फॉर मंथ्स, ठीक है, मंथ्स के लिए। और ये होते हैं मेरे 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मेरे कौन से? वीट, राइस, ठीक है। और मंथ्स के लिए हमारे रोसेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, ये सारी फैमिलीज होती है, राइट। ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि कहीं कहीं पे हम लोग पॉलिंग ग्रेन्स को स्टोर कैसे करके रखते हैं, जैसे सीमन होता है उसको स्टोर करके रखा जाता है, राइट, फॉर इंसेमिनेशन। इसी तरह पॉलिंग ग्रेन्स को रखा जाता है, लाइक देखो कैसे रखते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलिंग ग्रेन्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन अंडर, किस टेम्परेचर में रखते हैं? -196°C। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट 2018 के अंदर, ये पूछा हुआ था, टेम्परेचर पूछा था एंड ये सब्सटेंस पूछा था लिक्विड नाइट्रोजन अंडर -196°C में। तो इस तरीके से हम प्रिजर्व करते हैं कहाँ पे? पॉलन बैंक्स होते हैं हमारे, सीड बैंक्स में सीड को रखते हैं, विच इज़ यूज इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ओके। सो गाइज, यहाँ पे हमने सारा जो एनसीईआरटी के अंदर हमें गिवन था अबाउट पॉलिंग ग्रेन्स, उसको हमने कवर किया, राइट। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।